नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। योग दिवस पर सीएम नीतीश, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दी शुभकामनाएं। प्रदेश में बनेंगे 4 नए स्टेडियम। अफवानी घाट गंगा पुल हादसे पर हाईकोर्ट का बड़ा निर्देश। बिहार में 17,491 सहकारी समितियां हुई समाप्त। पहले टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 2 विकेट से हराया। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। योग दिवस पर सीएम नीतीश, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दी शुभकामनाएं। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर बिहार के मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के द्वारा योग दिवस की शुभकामनाएं दी गई हैं। बता दें कि नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू की ओर से सोशल मीडिया के माध्यम से योग दिवस के मौके पर शुभकामनाएं देते हुए कहा गया कि आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं। योग अपनाकर हम स्वस्थ जीवन की रचना कर सकते हैं। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा योग करते हुए अपनी एक तस्वीर लोगों के बीच साझा की गई और लिखा गया कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की सभी को बधाई। योग हमारी सभ्यता की महान उपलब्धियों में से एक है और पूरे विश्व के लिए भारत की एक महान सौगात है। योग शरीर और मन के बीच संतुलन स्थापित करता है। योग जीवन के प्रति एक समग्र दृष्टिकोण है। योग हमारे जीवन में बढ़ती चुनौतियों का सामना करने के लिए हम सभी को और अधिक सक्षम बनाता है। आज के दिन में सभी लोगों से अपने दैनिक जीवन में योग को अपनाने और इसकी परिवर्तनकारी शक्ति का अनुभव करने का आग्रह करती हूं। वहीं पीएम मोदी के द्वारा एक वीडियो जारी करते हुए कहा गया कि सभी देशवासियों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं। योग ने 180 से ज्यादा देशों को एक साथ लाने का काम किया है। बिहार में ANM नियुक्ति नियमावली की अधिसूचना जारी। बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग की ओर से बिहार में ऑक्जिलियरी नर्स मिडवाइफ यानी कि ANM नियुक्ति प्रोन्नति और सेवा शरत नियमावली को अधिसूचित कर दिया गया है। बता दें कि ANM की सीधी नियुक्ति लिखित परीक्षा के आधार पर बिहार तकनीकी सेवा आयोग के माध्यम से होगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नियुक्ति के लिए जो प्रतियोगिता परीक्षा ली जाएगी उसके कुल 60 अंक शामिल किए जाएंगे। हालांकि पूरी मेधा सूची 100 अंकों के आधार पर तैनात की जाएगी। वहीं परीक्षा के अंकों के अलावा 15 अंक उच्चतर कोर्स के लिए निर्धारित किए गए हैं, जिसमें 10 अंक उच्चतर डिग्री GNM होने पर और 15 अंक BSc नर्सिंग, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग और MSc नर्सिंग पास अभ्यर्थी को मिलेगा। वहीं बाकी के बचे शेष 25 अंक कार्य अनुभव के लिए प्रतिवर्ष 5 अंक निर्धारित किए गए हैं। सीएम नीतीश की कैबिनेट बैठक इस वजह से हुई रद्द। इन दिनों बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बीमार हैं, जिस वजह से उन्होंने अपना तमिलनाडु का भी दौरा रद्द कर दिया था। वहीं आज उन्होंने अपनी अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट की बैठक को भी रद्द कर दिया। मालूम हो कि यह दूसरी बार है जब इस सप्ताह होने वाली कैबिनेट बैठक को स्थगित किया गया हो। बता दें कैबिनेट बैठक रद्द होने की जानकारी कैबिनेट सचिवालय की ओर से नोटिस जारी कर दी गई। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आज यह कैबिनेट बैठक 12:30 बजे सचिवालय कैबिनेट में होने वाली थी। मालूम हो कि इन दिनों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने बैक पेन से परेशान है। वहीं उनके दर्द को देखते हुए उनकी कुर्सी भी बदल दी गई थी। अगवानी घाट गंगा पुल हादसे पर हाईकोर्ट का बड़ा निर्देश। आज यानी कि 21 जून को पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस KV चंद्रन की खंडपीठ के द्वारा अगवानी घाट पर गंगा नदी के ऊपर बन रहे पुल के ध्वस्त होने के मामले पर पटना हाईकोर्ट में अधिवक्ता मणिभूषण सिंगर व ललन कुमार की ओर से की गई याचिकाओं पर सुनवाई की गई। इस दौरान कोर्ट की ओर से पुल निर्माण कंपनी एजेंसी SP सिंगला को निर्देश देते हुए कहा गया कि वह पार्टी बनाए, और साथ ही कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को निर्देश दिया कि वह राज्य सरकार द्वारा हलफनामा का जवाब दे। इसके लिए उन्हें फिर से 2 सप्ताह का समय दिया गया है। बता दें कि अब इस मामले पर अगली सुनवाई पटना हाई कोर्ट के द्वारा 12 अगस्त 2023 को की जाएगी। बता दें कि इससे पूर्व जस्टिस पूर्णेंदु सिंह की सिंगल बेंच ने ग्रीष्म अवकाश के दौरान ललन कुमार की याचिका पर सुनवाई की थी। पटना से बेंगलुरु, दिल्ली, गोवा के लिए बढ़ा विमान किराया। बिहार से बाहर घूमने गए लोगों को वापस बिहार आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। इसी को देखते हुए पटना एयरपोर्ट का फुटफॉल बढ़कर 12,000 के पार पहुंच गया है। इसके साथ ही पर्यटक स्थलों से पटना आने के किराए में भी बढ़ोतरी हो गई है। बता दें कि अगले 3 दिनों में बेंगलुरु से पटना आने का किराया 17,000 से अधिक पहुंच गया। वहीं पुणे से पटना आने के लिए विमान का किराया 16,000 से अधिक, दिल्ली से पटना आने का किराया 17,000 से अधिक, गोवा से पटना आने का विमान किराया 16,000 से अधिक और हैदराबाद से पटना आने का विमान किराया 14,000 से अधिक हो चुका है। ऐसे में किराए में हुई इतनी बढ़ोतरी से यात्रियों की जेब पर काफी फर्क पड़ रहा है। मुजफ्फरपुर से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद। बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी लागू है, इससे तो हम सभी वाकिफ हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हमें आए दिन शराब तस्करी से जुड़े मामले सुनने को मिलते रहते हैं। बता दें कि ताजा मामला बिहार के मुजफ्फरपुर का है।
जहां मुजफ्फरपुर के साहिबगंज थानाध्यक्ष को मिले गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस के द्वारा कार्रवाई करते हुए एक बोलेरो से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद किया गया है, जिसमें 180 ml का 325 टेट्रा पैक यानी 58 लीटर 500 ग्राम विदेशी शराब पाए गए हैं। इसके साथ ही पुलिस के द्वारा चालक समेत दो लोगों की गिरफ्तारी भी की गई है, जिससे फिलहाल पूछताछ कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। वहीं गिरफ्तार व्यक्ति के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार शराब को सिवान के मोतिहारी अनलोडिंग के लिए ले जाया जा रहा था। प्रदेश में बनेंगे 4 नए स्टेडियम। बीते दिन बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के चेयरमैन देव ज्योति की अध्यक्षता में इंफ्रास्ट्रक्चर समिति की एक बैठक बुलाई गई, जिसमें एसोसिएशन में खाली पड़े 2 सीटों पर राजेश कुमार कमलिया और विष्णु चौधरी की नियुक्ति की गई। इसके साथ ही इस बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि राज्य में 4 नए स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा, जिसमें सभी तरह की सुविधाएं मौजूद होंगी। वहीं प्रदेश में वे सभी मैदान जो खराब पड़े हैं उनका फिर से जीर्णोद्धार किया जाएगा। इसके लिए बिहार सरकार से अनुशंसा करने का निर्णय लिया गया है। इन सबके अलावा इस बैठक में 8 से 10 हजार दर्शक की क्षमता वाले नेट प्रैक्टिस इंडोर फैसिलिटी तथा 80 से 100 लोगों के रहने की व्यवस्था उपलब्ध कराने की भी चर्चा की गई। सुल्तानगंज अगवानी पुल गिरने पर आईआईटी रुड़की ने सौंपी रिपोर्ट। करीब 2 सप्ताह पहले बिहार के भागलपुर में सुल्तानगंज को खगड़िया से जोड़ने वाला निर्माणाधीन अगवानी सुल्तानगंज पुल का गिर गया था। वहीं अब इस पुल के गिरने की जांच कर रही आईआईटी रुड़की की ओर से बिहार पुल निर्माण निगम को रिपोर्ट सौंपते हुए यह जानकारी दे दी गई है कि पुल किस वजह से गिरी है। बता दें कि रिपोर्ट के अनुसार पुल गिरने में निर्माण कंपनी एजेंसी एसपी सिंगला की तरफ से किसी प्रकार की लापरवाही नहीं की गई। मालूम हो कि जो रिपोर्ट सौंपी गई है उसके अनुसार अलग से ढाले गए सेगमेंट को पिलर पर चढ़ाने के क्रम में स्ट्रेचिंग के दौरान लोड बढ़ जाने से पुल के सेगमेंट धराशायी हुए, पिलर डैमेज हुए। वहीं पुल निगम के अधिकारियों के अनुसार 1 से 4 नंबर के पिलर का डिजाइन 14 से 28 नंबर के पिलर से डिजाइन से अलग है। ऐसे में सेगमेंट को पिलर पर चढ़ाने के क्रम में स्ट्रेचिंग के दौरान लोड बढ़ गया और पुल गिर गया। आज बीजेपी नेताओं ने मनाया योग दिवस। आज यानी कि 21 जून को दिन को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऐसे में आज देश के सभी राज्यों में लोगों के द्वारा योग दिवस मनाया गया। वहीं अगर हम बात बिहार की करें तो बिहार की राजधानी पटना के पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में पतंजलि योग पीठ के द्वारा योग अभ्यास कराया गया, जिसमें बिहार बीजेपी के प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े, सांसद सुशील मोदी, पूर्व मंत्री मंगल पांडे, राज्यपाल गंगा प्रसाद सहित बीजेपी के कई नेता शामिल हुए। इस दौरान भाजपा नेताओं के द्वारा कहा गया कि योग के महत्व को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा भी माना गया है और पूरी दुनिया में योग को पहचान मिल सके, इसलिए पीएम मोदी के प्रयास से 21 जून को विश्व योग दिवस के रूप में घोषित किया गया। बता दें कि पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में पतंजलि योग पीठ के द्वारा आयोजित योगाभ्यास में हजारों लोगों ने भाग लिया। सीएम नीतीश, पीएम मोदी और अमित शाह को मिली जान से मारने की धमकी। आज यानी कि बुधवार को समाचार एजेंसी ANI के अनुसार दिल्ली की बाहरी जिला पुलिस को एक अज्ञात शख्स के द्वारा फोन कर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को जान से मारने की धमकी दी गई है। बता दें कि उस कॉल के बाद दिल्ली से लेकर बिहार तक हड़कंप मच गया है। वहीं दिल्ली पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड में आ गई है। इस बारे में पुलिस के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार कॉल का पता करने के लिए एक टीम की तैनाती की गई है। मालूम हो कि वर्ष 2023 में दूसरी बार है जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जान से मारने की धमकी दी गई है। इससे पहले 22 मार्च को एक शख्स के द्वारा व्हाट्सएप के जरिए इस तरह की धमकी दी गई थी, जिसे पुलिस के द्वारा सूरत से गिरफ्तार किया गया था। बिहार में 17,491 सहकारी समितियां हुई समाप्त। राज्य में कुल 42,985 सहकारी समितियों में से 17,491 सहकारी समितियों को समाप्त कर दिया गया है, जिसके बाद अब राज्य में सहकारी समितियां 25,487 रह गई है। बता दें कि 42,985 समितियों में से कई समितियां ऐसी थी जो काफी लंबे समय से सक्रिय नहीं थी, उनके माध्यम से कोई काम नहीं हो रहा था। यही वजह है कि इन समितियों को बंद कर दिया गया है। बता दें कि अगर पैक्स, डेयरी और मत्स्यजीवी समितियों को छोड़ दिया जाए तो राज्य में कुल 8,884 अन्य तरह की समितियां बच जाएंगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जिन समितियों को बंद किया गया है उनमें औद्योगिक सहयोग समिति, शीत भंडार, ग्रामोदय, तेल उत्पादक, तार गुड़ उत्पादक, सिंचाई सहयोग समिति, संयुक्त सहयोग कृषि, नाव यातायात, चमत्कार सहयोग तथा सर्वोदय सहयोग समिति के नाम शामिल हैं। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा का बिहार दौरा रद्द। बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी और बिहार प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा का 24 जून को होने वाला बिहार दौरा रद्द कर दिया गया है। हालांकि इनके आगमन को लेकर अगली तारीख के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन अनुमानित समय बता दिया गया है। बता दें कि विनोद तावड़े के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि नड्डा जी का
बिहार दौरा फिलहाल के लिए पोस्टपोन्ड हो गया है क्योंकि उनको किसी दूसरे राज्य में जाने की जरूरत पड़ रही है, तो वहां से लौटने के बाद वे अगले सप्ताह बिहार आ सकते हैं। मालूम हो कि जेपी नड्डा 24 जून को झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र में कार्यकर्ता सम्मेलन करने वाले थे जिसे अब रद्द कर दिया गया है। योग करने के दौरान पशुपति पारस की मंच पर बिगड़ी तबीयत। आज यानी कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर जब केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस योग करने अपने संसदीय क्षेत्र हाजीपुर पहुंचे तो योग करने के दौरान अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें उनके पर्सनल पीए के द्वारा उन्हें सोफे पर बैठाया गया। वहीं इस दौरान मंत्री के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि उनकी तबीयत अभी भी खराब है। मुजफ्फरपुर जाने के दौरान गाड़ी गड्ढा में लुढ़क गया था जिसके कारण नस मांसपेशी में घुस गया, जिसको लेकर दिक्कत हो रही थी। यही वजह है कि वह ज्यादा देर योग नहीं कर पाए। उन्होंने कहा कि तबीयत ठीक नहीं है लेकिन दिल्ली जाकर एम्स में इलाज करवाऊंगा। आज योग दिवस पर हाजीपुर आना ही था, योग भी करना था लेकिन ज्यादा देर नहीं कर पाया। पहले टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 2 विकेट से हराया। बीते दिन मंगलवार को पहले एसेस टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया की टीम के द्वारा इंग्लैंड की टीम को 2 विकेट से मात दे दिया गया। बता दें कि ऑस्ट्रेलिया को यह जीत उस्मान ख्वाजा के टेस्ट बल्लेबाजी में मास्टर क्लास और अंतिम दिन कप्तान पैट कमिंस की वीरतापूर्ण पारी से मिली है। मालूम हो कि ऑस्ट्रेलिया की ओर से 281 रन का पीछा करते हुए 5 मैचों की एसेस 2023 सीरीज में 1-0 से बढ़त हासिल कर ली है। बता दें कि एक समय में ऐसा लग रहा था जैसे यह मैच इंग्लैंड की टीम के हाथों में है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के द्वारा अपनी चतुराई से इंग्लैंड के बल्लेबाजों को एक के बाद एक आउट कर दिया गया। बता दें कि ऑस्ट्रेलिया की ओर से उस्मान ख्वाजा की ओर से बेहतरीन बल्लेबाजी की गई, वहीं पैट कमिंस ने कप्तान पारी खेली। जानिए आज बिहार में क्या है पेट्रोल डीजल के रेट। बिहार में आज यानी बुधवार को पेट्रोल डीजल के रेट जारी किए गए, इसके बाद राजधानी पटना में आज पेट्रोल 107.24 रुपए और डीजल 94.04 रुपए प्रति लीटर में मिल रहा है। मुजफ्फरपुर में पेट्रोल 108.05 रुपए और डीजल 94.77 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है। वहीं पूर्णिया में पेट्रोल की कीमत 108.82 रुपए और डीजल 95.50 रुपए प्रति लीटर है। भागलपुर में पेट्रोल की कीमत 107.98 रुपए और डीजल की कीमत 94.71 रुपए प्रति लीटर निर्धारित की गई है। इसके साथ ही गया में पेट्रोल की कीमत 108.31 रुपए और डीजल कीमत 95.04 रुपए प्रति लीटर है। बता दें कि बिहार में पेट्रोल का रेट सबसे ज्यादा किशनगंज में है, जहां पेट्रोल 109.60 रुपए प्रति लीटर और डीजल 96.23 रुपए प्रति लीटर की दर से मिल रहा है। बीते दिन हमारे पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है कुमारी संजना, वेद प्रकाश सिंह, मोहम्मद सकीर हुसैन, इंद्रभूषण रवि, नन्नू गोलू कुमार, के सिन्हा, बाबूलाल मरांडी, मनीष सिंह, कबीर आलम, रवि कुमार राम, पीके पासवान, मुटू रंगीला, कन्हैया कुमार, अनवर करीम खान, सदुल्लाह पलवी। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके अनुसार योग हमारे जीवन पर कितना असर डालता है? अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज, और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप Facebook से देखें तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।